हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एक नया चैप्टर, एक नया सब्जेक्ट क्लास 7th का, ज्योग्राफी, फर्स्ट वाला यूनिट एनवायरमेंट। अब देखते हैं हम एनवायरमेंट क्या होता है। यहाँ पर हमें एक स्टोरी दी है रवि के बारे में। रवि एक लॉन्ग वेकेशन के बाद में जब वापस से स्कूल जाना शुरू करता है, लॉन्ग वेकेशन खत्म हुए हैं उसके बाद अब वो वापस स्कूल जाने लगा है, तब उसने एक चीज नोटिस की कि वो जो प्लेग्राउंड था जो बिल्कुल उसके स्कूल के पास में था, वो डिगअप हो रहा है या वहां पर डगिंग हो रही है, मतलब वहां पर खुदाई चल रही है। पीपल ने कहा कि यहाँ पर एक ह्यूज बिल्डिंग बनेगी जिसमें बहुत सारे फ्लैट्स होंगे और वो यहाँ पर कंस्ट्रक्ट होने वाली है वैसी बिल्डिंग। रवि जो था उसे बहुत बुरा लग रहा था इस चीज को सुनकर। उसने रियलाइज किया कि एक बिग प्लेग्राउंड जहाँ पर सॉफ्ट ग्रास, मैरीगोल्ड्स के फ्लावर्स, ब्यूटीफुल फ्लाइज उसे देखने को मिलते थे, वो यहाँ से हमेशा के लिए चले गए हैं। उसने अपनी इस फीलिंग को शेयर किया अपने क्लासमेट्स के साथ में। असेंबली में द प्रिंसिपल जो थे वो भी बहुत ही सैड थे, वो ऑब्जर्व कर रहे थे और उन्होंने कहा भी असेंबली में सबको कि देखो किस तरह से एनवायरमेंट चेंज होते जा रहा है। क्लास में जब रवि ने अपने टीचर से पूछा कि एनवायरमेंट क्या होता है, तो टीचर ने कहा कि जो भी चीजें आप अपने सराउंडिंग में देखते हैं वो एनवायरमेंट होता है। रवि ने जोर से अलाउड मतलब सोचने लगे, वो लगा कि इसका मतलब जो स्कूल बिल्डिंग्स, टेबल, चेयर, क्लासरूम, क्लासरूम में लगने वाली चेयर्स, टेबल्स और ओपन फील्ड जो है, या रोड जो है, गार्बेज, मेरे फ्रेंड्स, ये सारे के सारे पार्ट ऑफ एनवायरमेंट है। टीचर ने कहा यस, ये सारे के सारे एनवायरमेंट के पार्ट हैं, बट कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो क्रिएट किए हैं नेचर ने, फॉर एग्जाम्पल माउंटेन, रिवर, ट्रीज, एनिमल्स, और कुछ ऐसे हैं जो मैन मेड हैं, मतलब हम लोगों ने बनाए हैं, जैसे रोड, कार, क्लॉथ्स, बुक, एक्सेट्रा। तो अब आप लोगों को, टीचर ने उन लोगों को पैर में वर्क करने के लिए एक एक्टिविटी दी थी जिसमें उन्हें अपने क्लासमेट्स के साथ, जो उनके साथ बैठे हुए हैं, उनके साथ क्रिएट करना था कुछ चीज जो ह्यूमन ने, उनके लिस्ट बनानी थी जो नेचर ने बनाए हैं वो क्रिएशंस, और जो ह्यूमन बींग्स ने बनाए हैं वो भी। पहले हम इस ब्लू बॉक्स के एनवायरमेंट का मतलब देखते हैं। एनवायरमेंट जो है एक बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। ये प्रोवाइड करता है हमें एयर ब्रीथ करने के लिए, वाटर ड्रिंक करने के लिए, फूड खाने के लिए और लैंड रहने के लिए। ह्यूमन बीइंग किस तरह से मॉडिफाई कर रहे हैं हमारे इस एनवायरमेंट को? कार फ्यूम्स जो है वो पोल्यूट कर रहा है एयर को, वाटर जो है वो कलेक्ट किया जा रहा है पॉट के अंदर, फूड जो है वो सर्व किया जाता है वेसल्स में, और लैंड को भी फैक्ट्रीज बिल्ड करने के लिए या कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए यूज किया जा रहा है। ह्यूमन बीइंग जो है कार, मील, फैक्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग कंटेनर्स जो हैं वो बना रहे हैं, और इसके कारण ह्यूमन बीइंग जो है हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कर रहे हैं। रवि, परमजीत, जेसी, मुस्तफा, आशा, ये सारे के सारे रवि के क्लासमेट्स हैं जो बहुत ही एक्साइटेड थे जब टीचर ने उन्हें वो एक्टिविटी दी थी लिस्ट बनाने की, और उन्होंने ये भी चीजें सोची कि किस तरह से हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। इकबाल ने कहा कि ये बिकॉज ऑफ हमारी नीड्स हो रहा है, हमारी नीड्स है जितनी ज्यादा होंगी उसके कारण हमारे को एनवायरमेंट में चेंज करना पड़ेगा। और ये हमारे कुछ बेसिक नीड्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कंपोनेंट ऑफ एनवायरमेंट में तीन चीजें आती हैं, नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन इटसेल्फ। नेचुरल में आती है लिविंग थिंग्स, लैंड, एयर, वाटर, वल ह्यूमन मेड में बात करें तो बिल्डिंग, पार्क्स, ब्रिजेस, रोड्स, मॉन्यूमेंट्स और इंडस्ट्रीज। वल ह्यूमन की बात करें तो इसमें इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन, एजुकेशनल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सिचुएशंस, सारी चीजें इंक्लूडेड हैं। ये सारे हमारे बेसिक कंपोनेंट हैं एनवायरनमेंट के, और ये जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं डे बाय डे, और इसीलिए हमें मॉडिफाई करना पड़ रहा है। और मॉडिफाई के फॉर्म में हम क्या कर रहे हैं, तो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं अपने नेचुरल सराउंडिंग को, ऐसा टीचर ने कहा। अब वो कन्वर्जेशन जो था वो अंडरस्टैंड किया गया उस प्लेस पे, पीपल, थिंग और नेचर जो है, जो सराउंड किए जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से, उसे एनवायरमेंट कहा जाता है, और ये कॉम्बिनेशन जो है नेचुरल और ह्यूमन मेड का फिनोमेनॉन इसे कहा गया है। वेल नेचुरल एनवायरमेंट की बात करें तो इसे हम बायोटिक रेफर करते हैं, वेल अबायोटिक कंडीशन में एग्जिस्टिंग जो है अर्थ पे वो अबायोटिक में आते हैं लिविंग थिंग जो है वो। यहाँ पर देख सकते हैं हम बायोटिक और अबायोटिक की डेफिनेशन है कि द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म वो बायोटिक है और वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स ये अबायोटिक है। एग्जाम्पल्स भी हमें यहाँ पर दिए हुए हैं।
ह्यूमन एनवायरनमेंट के अंदर जो एक्टिविटीज है वो रिवील की जा रही है क्रिएशन और इंटरैक्शन की ह्यूमन बींग्स के बीच में. नेचुरल एनवायरनमेंट की बात करें तो लैंड, वाटर, एयर, प्लांट और एनिमल्स ये कंप्रेस करते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट को. आप फैमिलियर हैं कि मीनिंग ऑफ लिथोस्फियर, हाइड्रोस्फियर, एटमॉस्फियर, बायोस्फियर क्या होता है, क्योंकि प्रीवियस क्लास में हमने ये चीज़ों को है. अब हम कुछ और फैक्ट्स देखते हैं इन डोमेन्स के बारे में. लिथोस्फियर हम पहला हमारा टॉपिक लेते हैं. एक सॉलिड क्रस्ट होता है और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ भी हम इसे बोल सकते हैं. ये होता है रॉक्स और मिनरल्स से बना हुआ और कवर्ड हुआ होता है एक थिन लेयर ऑफ सॉइल से. ये इररेगुलर सरफेस होता है. वेरियस लैंडफॉर्म्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, जैसे माउंटेन्स, प्लेटूस, प्लेन्स, वैलीज एक्सेट्रा. लैंडफॉर्म्स जो है वो फाउंड होता है बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स में और बहुत सारे ओशन फ्लोर्स पे भी. लिथोस्फियर जो है एक डोमेन है जो प्रोवाइड करता है हमें फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स जो ग्रेजिंग के लिए यूज होती है, लैंड फॉर एग्रीकल्चर और ह्यूमन सेटलमेंट्स के लिए. ये एक अल्सो हम कह सकते हैं कि सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ भी है. यहाँ पर हमें दिया हुआ है डोमेन्स ऑफ एनवायरनमेंट, चार डोमेन्स जो है, एटमोसफियर सबसे टॉप पे, बायोस्फियर ये जो हमारी चीज दिख रही है जो सर्कल में बताई है, हाइड्रोस्फियर मतलब वाटर से रिलेटेड स्पेसेस और लिथोस्फियर मतलब सबसे टॉप लेयर जो आती है सॉइल की. वो यहाँ पर हमें बॉक्स में एक और चीज दी है, हमें एक एक्टिविटी टाइप करना है कि जो भी है वाटर यू यूज इन योर होम या स्कूल वो कहाँ आता है, वो आपको ढूंढना है और लिस्ट बनानी है डिफरेंट यूजेस ऑफ वाटर की आपके डेली लाइफ में आप कहाँ कहाँ यूज करते हो. वो क्या आपने कहीं पर वेस्टिंग ऑफ वाटर देखा है और कैसे देखा है या कहाँ पर हो रहा है, ये भी आपको उस एक्टिविटी में लिखना है. डोमेन ऑफ वाटर जो है उसको रेफर किया गया हाइड्रोस्फीयर, जैसा मैंने पहले ही बताया था. ये कंप्रेस करता है सोर्सेस ऑफ वाटर को और डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर बॉडीज को, जैसे रिवर, लेक, सी, ओशन एक्सेट्रा. और ये इसेंशियल है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए. थर्ड है हमारा एटमोसफियर. ये एक थिन लेयर ऑफ एयर होती है जो हमारी अर्थ को सराउंड करके रखती है. ग्रेविटेशनल फोर्स जो है अर्थ का वो होल्ड करता है एटमोसफियर को उसके आसपास और ये प्रोटेक्ट करता है हमें हार्मफुल रेस से या स्कॉचिंग हीट जो सन से आ रही है उससे. ये कंसिस्ट होता है नंबर ऑफ गैसेस से, डस्ट और वाटर वेपर से. चेंज जब होता है एटमॉस्फेयर के अंदर तो ये प्रोड्यूस करता है चेंज वेदर में और क्लाइमेट में. प्लांट और एनिमल किंगडम की बात करें तो ये दोनों से मिलकर बनता है बायोस्फियर और कह सकते हैं लिविंग वर्ल्ड. ये एक नैरो जोन होता है अर्थ का जहाँ पर लैंड, वाटर, एयर इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे के लिए ताकि वो लाइफ को सपोर्ट कर सके. इकोसिस्टम पहले हम इस बॉक्स में जो लिखा है वो देखते हैं. तो इकोसिस्टम क्या है, तो ये एक सिस्टम है जो फॉर्म की गई है इंटरैक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से. जब वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं फिजिकल या केमिकल फैक्टर्स के थ्रू एनवायरनमेंट के और साथ में रहते हैं, लिंक करते हैं एक दूसरे को बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी और मटेरियल, इसी को कहा गया है इकोसिस्टम. अब हम देखेंगे व्हाट इज इकोसिस्टम. एनसीसी कैंप रवि की जो क्लास, रवि का क्लास जो था उन्होंने एनसीसी कैंप अटेंड किया. जैसी ने एक्सक्लेम किया कि कितना हैवी डाउनपोर यहाँ पर हो रहा है और ये मुझे याद दिला रहा है, डाउनपोर मतलब पानी जो आ रहा है इतना ज्यादा, ये मुझे रिमाइंड करा रहा है अपने घर की बात या केरला की याद दिला रहा है. वहां जब तुम कभी आओगे तो तुम देखोगे वहां पर भी पानी इस तरह से पोर एंड पोर एंड पोर हो रहा है और उसी के कारण लश ग्रीन फील्ड्स आपको देखने को मिलेगी और कोकोनट प्लांटेशन भी. हीरा जो जैसलमेर से है उसने एक्सक्लेम किया कि मैं, हमारे वहां तो रेन्स होती नहीं है, वहां आपको सिर्फ कीकर या सैंड देखने को मिलेगी. जब तक आपकी आईज जहां तक जा रही है वहां तक आपको सिर्फ सैंड और कीकर देखने को मिलेगी. आपको वहां पर कैमल्स भी देखने को मिलेंगे, ऐसा रवि ने उनसे कहा. यहाँ पर हमें दिखाया गया है पिक्चर में कि पॉन्ड ऑफ इकोसिस्टम जहाँ पर सारे के सारे लिविंग जो है वो आकर है यहाँ पर पानी पी रहे हैं. हीरा ने कहा कि सिर्फ कैमल्स ही नहीं, तो विजिट करना है अगर डेजर्ट को तो आप वहाँ पर स्नेक्स, लिजार्ड और मैनी इंसेक्ट्स भी देखेंगे. रवि वंडर्ड हुआ ये सोच के कि एनिमल्स, वेजिटेशन और वे ऑफ पीपल जो लीव करते हैं वहाँ पे वो कितना वैरी होता है प्लेस टू प्लेस और ये सारी की सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड हैं. ओ यस, बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं, ऐसा टीचर ने कहा. ऑल प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग जो हैं वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं या इंटरमीडिएट सराउंडिंग में रहते हैं, डिपेंड होते हैं एक दूसरे से. ऑफन दे आर इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है कह सकते हैं, पर फिर भी वो क्या है, डिपेंड है इमीजिएट सराउंडिंग के लिए. और ये रिलेशन जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म और उनके सराउंडिंग का, वो इकोसिस्टम को फॉर्म करता है. इकोसिस्टम एक लार्ज रेन फॉरेस्ट में भी होता है, ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन, लेक, रिवर, ओशन और स्मॉल पॉन्ड्स इसे भी कह सकते हैं.
क्या आप सोच सकते हैं कि पार्क जिसमें रवि और उसके फ्रेंड्स प्ले करते थे, क्या उन्होंने वो एक इकोसिस्टम था? वो आप इस चीज को स्टडी करके फाइंड आउट कर सकते हैं। ह्यूमन एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो ह्यूमन बीइंग जो है वो इंटरैक्ट करती है एनवायरनमेंट के साथ और मॉडिफाई करती है उसे अपने नीड्स के हिसाब से। अभी अर्ली ह्यूमंस की बात करें तो वो अपने आप को अडाप्ट करते थे वहां के सराउंडिंग के हिसाब से, और उसके कारण उनकी लाइफ बहुत ही सिंपल और फुलफिल होती थी उनकी रिक्वायरमेंट्स नेचर से। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ते गया, हमारी नीड्स जो है वो ग्रो करने लगी और वो बहुत बड़ी हो गई, हमारी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो अब हम वो जो हमारा नेचुरल मोमेंट है उसमें इजीली सर्वाइव नहीं कर सकते अगर हम अपनी नीड्स को कंप्लीट करने के लिए कोई चेंजेस ना करें। ह्यूमंस ने नए नए तरीके ढूंढे चेंज करने के लिए एनवायरमेंट को और अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए। उन्होंने क्रॉप्स को ग्रो करना सीखा, डोमेस्टिक एनिमल्स को पालना सीखा, और सेटल्ड लाइफ किस तरह से करना है ये उन्होंने पा लिया। व्हील्स जो है वो भी उन्होंने इन्वेंट किए थे, सरप्लस फूड जो है वो प्रोड्यूस किया गया, बार्टर सिस्टम जो थी वो इमर्ज हुई और ट्रेड स्टार्ट हुआ, कॉमर्स डेवलप हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो था उसने एनेबल किया लार्ज स्केल प्रोडक्शन को, ट्रांसपोर्टेशन बहुत फास्टर हुआ, इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन जो है उसने कम्युनिकेशन को और इजी कर दिया और स्पीडी कर दिया ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्या आपने कभी सोचा है कि जूसी वाटरमेलन समर में खाते हैं हम और हॉट रोस्टेड पीनट्स विंटर में क्यों खाते हैं, हमें क्यों पसंद है? तो परफेक्ट बैलेंस है जो वो नेसेसरी होता है नेचुरल और ह्यूमन एनवायरनमेंट के अंदर। ह्यूमंस ने किस तरह से जीना है और अपने एनवायरनमेंट को किस तरह से यूज करना है हार्मोनियस वे में, ये बहुत अच्छी तरह से सीख लिया था। नूरी एक गर्ल थी जो मिजोरम से थी, रवि की क्लासमेट थी। वो हमेशा रवि से बात करती थी लश ग्रीन सराउंडिंग के बारे में जो उनके प्लेस पर या मिजोरम में होता था। रवि ने वो देखा और बहुत ही अपसेट हुआ कि उसने अपने प्लेग्राउंड को लॉस्ट कर दिया है। नूरी ने इनवाइट किया उसे और कहा कि तुम मेरे स्टेट मिजोरम में आना जब भी वैकेशन होंगे। रवि के टीचर ने कहा, स्टूडेंट्स तो आप अपने लैंडस्केप को ड्रॉ कीजिए, हाउसेस और एक्टिविटीज को ड्रॉ कीजिए, पीपल्स को ड्रॉ कीजिए, और प्लेसेस जहाँ पर आप विजिट किए गए हैं, जहाँ पर आपने विजिट किए, जो जो प्लेसेस को हॉलीडेज में, उन सब की आपको ड्राइंग बनानी है या ड्रॉ करना है। यहाँ पे एक अलग हमें एक चीज़ दी हुई है कि एल्डर पर्सन के साथ आपको इस चीज़ में डिस्कस करना है या नेबरहुड से, और कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है कि जब वो छोटे थे तो उनके आसपास कौन सी ट्रीज हुआ करती थी, इंडोर गेम्स वो कौन से खेलते थे, उनके फेवरेट फ्रूट कौन से होते थे, और किस तरह से वो कंफर्टेबल अपने आप को बनाते थे हॉट समर्स या कोल्ड विंटर्स में। अपने आंसर्स को आप बुलेटिन बोर्ड पर लिख सकते हैं अपने स्कूल के या अपनी नोटबुक में भी। इस तरह से इस चैप्टर को हमने कंप्लीट किया है फ्रेंड्स। इस तरह से एनवायरमेंट के बारे में देखा है हमने, और यहाँ पर मेरा ये वीडियो खत्म होता है। अगले वीडियो के लिए, अगले चैप्टर के लिए आपको मेरा अगला वीडियो देखना होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी मुझे भेजें ताकि मैं अपने अगले वीडियो को और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकूँ। थैंक यू सो मच।